हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, रोहन और प्रिया की सारी सच्चाई आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और ये सिर्फ मैं नहीं बताने वाला हूं, आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये रोहन प्रिया की क्या सच्चाई है। क्या सच में दोनों साथ में रहते हैं या दोनों अलग अलग रहते हैं। कई लोगों का कहना तो ये है दोस्तों कि प्रिया आती है घर पे, कपड़ा बदलती है और कपड़ा बदल के वीडियो बनाती है फटे पुराने, और उसके बाद फिर अपने पास रोहन के पास चल जाती है। दोनों साथ में ही रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो लोगों का तो बहुत कुछ कहना है दोस्तों। तो क्या है सच्चाई, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। और कल गोरखपुरिया भौजी ने लाइव रखा था, उस लाइव में भी बहुत लोगों की बातचीत हुई है, उसमें रोहन प्रिया भी आए थे। मैं आप लोगों को दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो गलती है ना दोस्तों, सारी प्रिया की ही है। क्योंकि जिस हिसाब से प्रिया बात कर रही है, उस हिसाब से ऐसा है कि वही है दोषी। क्योंकि वो अपने आप को मतलब अबला नारी, मतलब दुनिया से सहमी, मतलब दुनिया से सताई हुई ऐसी औरत का कैरेक्टर आप लोगों के सामने पेश करती है, और ऐसा दिखाती है कि मैं मतलब अबला नारी हूँ, मुझ पे मेरे पति ने बहुत अत्याचार किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पहले आप लोग एक वीडियो क्लिप देखिए और उसके बाद आप लोगों से मैं बताता हूँ। भी लास्ट लाइन मैं ये बोलना चाहूंगा, आज चाहे 1 घंटा लाइव में हो चाहे 2 घंटा लाइव में हो जाए, अगर आज भाभी जी ने यहाँ पे लाइव रखा है, अगर आज लाइव में आई है, तो भाई आज यहाँ पे सारा दूध का दूध पानी पानी सच कर दो, नहीं तो भाई मैं मांस खा के रहूँ। बच्चे का देखो भाई क्योंकि मैं तेरे वजह से बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। तुम्हें साथ संघर्ष अकेले कर रही है, दिखाओ कैसे खाना तुम बनाती हो। अरे मैं दिखाऊं ना भाई, चूल्हा दिखाओ ना, चूल्हा तुम्हारे पास चोरी कर रहा है क्या? चूल्हा दिखाओ ना, चूल्हा तुम्हारे पास चोरी कर रहा हूँ क्या? अच्छा यहाँ पे खाना बना रही है, और मैंने माफी मांगी, मैंने आज ही माफी मांगी। तो देख लीजिए, रोहन भी भड़क गया जैसे कैसे, बोला आज चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, अगर गोरखपुरिया भौजी ने लाइव रखा है तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। क्योंकि ये बार बार जो बोलती है प्रिया, मेरा पति वैसे, मेरा पति ऐसे, मेरा पति वैसे, तो ये बात बहुत गलत है। ऐसा बात मतलब मत बोलो जो भी है, नहीं तो पंखे से लटक के जो भी मर्जी कर लूंगा। तो उसपे भी ये चुप नहीं रहने वाले, उसपे भी चढ़ गए। मैं क्या जानती हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। लाइव आके उसने इंस्टाग्राम पे लाइव आके उसने माफी भी मांगी थी प्रिया से कि मुझे माफ कर दो, चलो जो भी गलती हो गई। लाइव में बातचीत होते टाइम दोस्तों प्रिया से पूछा भी गया कि तुम रोहन के साथ रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती हो, तो बोल रही है डायरेक्ट नहीं रहना है मुझे। उसके बाद से ये तो बोल रही है नहीं रहना है मुझे, फिर कई बार पूछा, बोल रही है नहीं रहना है मुझे, फिर उसे वार्निंग दिया गया कि अगर तुमको रहना है तो बताओ, नहीं रहना तो फिर कभी। फिर ये क्या पति पति का नाटक करके हर एक वीडियो में पति पति को बदनाम करके, पति ऐसे पति वैसे तो वीडियो बनाती हो, तो वो सब भी करना बंद करो ना, पति को बदनाम करना। फिर अलका जो है उन्होंने बोला कि तुमको पैसे वगैरह की जरूरत है, तो बोले नहीं पैसा नहीं चाहिए मुझे, पैसे की कभी जरूरत वैसे नहीं पड़ती, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तब उनसे कहा गया, जब पैसे की जरूरत नहीं थी तो क्यों तुमने अपना नंबर गूगल पे फोन पे नंबर देके क्यों लोगों से पैसा मांगी हो। तब उस पर कोई उसके पास जवाब ही नहीं, मतलब लड़ने के लिए हमेशा ऐसे तैयार ही है, अब उसे क्या बताया जाए। और उसके बाद से चलिए जो भी है, अभी भी लाइव में इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो अलका जी ने प्रिया के पास अपना नंबर भेजा, बोला तुम मुझे व्हाट्सएप पे हाय बोलो, तभी भी ये हाय बोलने के लिए तैयार नहीं थी, तुम हाय बोलो और उसके बाद मुझे अपना लाइव लोकेशन सेंड करो। उसने हाय भेजा, लाइव लोकेशन सेंड करने के लिए भेजा, तो बोल रही मैं नहीं भेजूंगी, मुझे नहीं भेजना। रोहन से भी कहा गया, दोनों में से किसी ने लाइव लोकेशन नहीं भेजा। और अगर आप लोग लाइव जाइएगा, देखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा क्या सच है क्या झूठ है। जब जब नेटवर्क कट रहा था, तब तब दोनों का नेटवर्क साथ में ही कट रहा था, इसका कट रहा था तो रोहन का भी कट रहा था, दोनों का नेटवर्क साथ में ही कट रहा था। उस जब जब नेटवर्क कट रहा था, दोनों का साथ में ही नेटवर्क कट रहा था, और घर भी सेम टू सेम, इसका भी पतरे का था, उसका भी पतरे का था, सेम टू सेम था, एकदम कोई अंतर नहीं था। और गोरखपुरिया भौजी ने तो बोला भी कि ये सारी गलती ना इसी की है, प्रिया की ही, क्योंकि ये अपना बात ना मानने को तैयार ही नहीं है, एकदम से लड़ लड़ जा रही है, और सारी गलती भी इसी की दिख रही है। क्योंकि जिस हिसाब से ये बात कर रही है, उनसे ये कहा गया, फिर
कि तुम जिस आंटी के पास रहती हो उस आंटी से तुम सिर्फ मुझे बात करवा दो, थोड़ा सा बात बस करवा दो, हाय हेलो करवा दो, उनका फेस मत दिखाओ, उनकी वॉइस ही आ जाए। तो नहीं, हम जिसके घर में रह रहे हम उन्हें नहीं लाना चाहते, ऐसा है वैसा, सिर्फ उनकी आवाज आ जाएगी तो कौन उनको इतना पहचान रहा है, चेहरा मत दिखाए, लेकिन फिर भी मतलब किसी तरह से कोई प्रूफ देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर उसे ये कहा गया, जब तुमको कुछ नहीं करना है, किसी चीज के लिए तुम तैयार नहीं हो, तो बस अब ये जो पति पति का नाम जाप करके जो तुम वीडियो बनाती हो अनसन रोहन के बारे में बोलती हो, तो ये बनाना बंद करो, अब अपना वीडियो बनाओ। गोरखपुरिया भौजी ने भी बोला कि तुम लव मैरिज शादी की हो, लव मैरिज मैंने भी किया है, तो लव मैरिज वालों को तुम बदनाम कर रही हो। मैं ही नहीं, रोहन प्रिया, अरे विजय रिया, वो लोग भी बोल रहे थे, वो क्यूट कपल का सुनील है वो भी बोल रहा था, मतलब बहुत लोग बोल रहे थे कि ये सब बदनाम कर रहे हैं लव मैरिज कपल को, कि लव मैरिज करके ये हो गया, लव मैरिज करके वो हो गया। तो ऐसा मत करो। फिर भी रिया जो है मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी लास्ट में कई बार वार्निंग देते देते सब लोग मनवाए हैं कि तुमको साथ में रहना है कि नहीं, साथ में रहो और ये सब नाटक बंद करो, क्योंकि पब्लिक पे असर जो है तुम्हारा देख ही देख के लोग मतलब ऐसे ही करने लगे। जैसे कैसे वो आया था गुड़िया गोरखपुरी का अंट संट वीडियो बनाना चालू किया, इतना तेजी से वायरल हुआ, अब उसके बाद से लोगों मतलब यूट्यूब पे वैसा ही काम चालू कर दिए थे, सब अंट संट वीडियो बनाना, सब के सब वैसे ही वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे। तो एक आदमी करता है ना तो सबको गलत प्रभाव पड़ता है। अब ये भाग के हमेशा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो कुछ लोग और भी ऐसा ही शुरू कर दे रहे हैं, फिर अभी उसका भी एक पति भागा हुआ है। तो बात इसमें ये हो जा रही है कि मान लीजिए कोई सच में गायब है तो फिर उसे भी लोग उसी नजर से देखेंगे, या ये सब नाटक है, ये दोनों नाटक कर रहे हैं। लेकिन और वो गोरखपुरिया भौजी का लाइव दोस्तों 3 घंटे का चला है, अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप जरूर जाइएगा गोरखपुरिया भौजी ऑफिशियल पे जाके देखिएगा, 3 घंटे कुछ मिनट का लाइव चला है, और जिसमें मतलब बहुत बातचीत हुई है प्रिया रोहन के बारे में। लेकिन अब जिस हिसाब से बात हो रही है ना, रोहन जिस हिसाब से बोल रहा था, गलती तो सारी प्रिया की ही है, ये खुद अपना घर छोड़ के आई है, ना ही वो भगाया है, कोई कैसे भगा सकता है, मैं ही क्या अपनी वाइफ को भगा सकता हूँ, वो खुद ना अपने घर से जाए। झगड़ा किस में नहीं होता है, सब में होता है। यहाँ बात यह हो जाती है ना, बच्चे को देख के रहम आता है, एक छोटा सा बच्चा है, तुम आपस में क्या कर रहे हो, उसे क्या लेना देना, छोटे के बच्चे को देख के बहुत रहम आता है। तो उस बच्चे के लिए आप जो भी है जैसा भी है सुलह कर दीजिए दोस्तों। तो यही तो बातचीत है, मैंने तो पूरा लाइव देखा, अभी आप लोगों को बताने लगूंगा तो मेरी वीडियो भी 2 घंटे की हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को भी देखना होगा तो प्लीज आप लोग जाइएगा देखिएगा, लेकिन यही तो बात है। फिर उससे ये भी कहा गया कि तुम जहाँ रहती हो उसका चूल्हा उल्हा दिखाओ, लाइव लोकेशन तो भेजी नहीं गई, चूल्हा वो भी नहीं दिखाने के लिए तैयार थी। जब रोहन बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ आ जा रहा हूँ, क्या लाइव लोकेशन बोल रहे, मैं इसलिए नहीं मतलब भेजना चाहती कि रोहन आ जाएगा मेरे घर पे। अरे रोहन क्या आ जाएगा, रोहन क्या तुम्हारा कोई जानी दुश्मन थोड़ी है, तुम्हारा ही पति ही था ना, तुम्हारे साथ इतना बुरा थोड़ी वो करना चाहेगा। लेकिन अब गलती एक हाथ से, ताली जो होती है ना एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। तो गलती भी हमेशा, ये नहीं है कि पति है तो हमेशा गलती पति की रहती है, पत्नी की भी होती है। चलिए जो भी हुआ, प्लीज अभी भी टाइम है प्रिया, तुम दोनों आपस में साथ रहो, बहुत अच्छा होगा, मैं तो यही बस चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।